नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रीलांस से पैसे कैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम फ्रीलांस। जी हाँ, तो चलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको आपने अगर इसे पूरा फॉलो नहीं किया तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे आप फ्रीलांस में पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। जी हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। फ्रेंड्स, अगर आप ग्राफिक्स के फील्ड में हो या फिर अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर आप एनिमेशन करते हो या फिर मोशन बैनर बनाते हो, पोस्टर डिजाइन कुछ भी करते हो, या फिर अगर सपोज आपके अंदर कॉन्टेंट राइटिंग की कला है, अगर आपको लिखना पसंद है, अगर आप पोएम लिखते हो, तो आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो घर बैठ के या फिर किसी भी अन्य जॉब के साथ। अगर आप 9 to 5 कोई भी जॉब कर रहे हो उसके साथ भी आप अच्छा खासा पैसा फ्रीलांस के जरिए कमा सकते हो। देखो, आज के टाइम में जो फ्रीलांसिंग है एक बहुत बढ़िया जरिया बन गया है, खास करके जब से ये लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम भारत में पूरी तरह से लागू हो गया। वर्क फ्रॉम होम होने का एक फायदा ये भी हो गया कि अभी लोग एक कंपनी के बजाय दो दो तीन तीन कंपनियों में काम करके अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। अभी देखिए, फ्रीलांस से पैसे कैसे आप कमा सकते हो, इस बात पे हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग आती है, हमें पोस्टर डिजाइन करना आता है, हम लोगो डिजाइन में एक्सपर्ट है, हमें ईवाई डिजाइन आती है, हमें काम कैसे मिलेगा। देखो, काम जो है वो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाकर काम ले सकते हो, काम उठा सकते हो, लेकिन उससे पहले जरूरत है आपको प्रिपेयर होने की, जरूरत है आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा प्रोफाइल बनाने की। देखो, मैं आपको आज जो बताने वाला हूं, आपको दो तीन वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे आप धड़ल्ले से पैसा बना सकते हो। सो दोस्तों, कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप जाकर पैसे कमा सकते हैं। देखो, अभी आप बहुत लोग ना NFT के चक्कर में जाते हैं। NFT क्या है, इसके बारे में भी हमने बताई थी, इसके बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो आने वाला है, रिसर्च पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा इस चैनल पे, रोज विजिट करो, देखो आपको बहुत सारी ज्ञान की चीजें मिलने वाली है। देखिए, फ्रीलांसिंग के लिए क्या है, सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है Fiverr.com। Fiverr.com पे आपको जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, और ये प्रोफाइल कैसे बनानी है उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाइए और देख लीजिएगा। फीवर एक ऐसा फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जहां पे आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना है, और प्रोफाइल बनाने के बाद अच्छा खासा आपको वहां पे काम मिलने लगेगा। थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बिडिंग करना होगा, आप बिडिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, और नहीं तो आप वहां पे अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आप वहां पे अपने अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए जो आपने काम किए हुए हैं, वो पोस्ट डाल दो, तो उससे क्या होगा कि लोग आपके पोस्ट को देखेंगे, और देखने के बाद उनमें थोड़ी सी उनको अगर किसी को लोगो बनवानी होगी, अगर किसी को पोस्टर बनवाना होगा, तो वो आपके प्रोफाइल को विजिट करेंगे, आपके प्रोफाइल पे जाएंगे, और जाने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। फीवर से आज दुनिया भर में करोड़ों लोग ऐसे हैं, काफी सारे डिजाइनर्स ऐसे हैं जो घर बैठकर फीवर से पैसा कमा रहे हैं। फीवर एक बहुत ही जानदार शानदार वेबसाइट है जहां पे आप जाकर अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उसमें करना बस इतना ही है कि आपको फीवर पे अपने वर्क अपलोड करने, बेस्ट वर्क जो आपके बनाए हुए हैं उसे अपलोड करना है, एंड दो तीन चीजें फीवर पे और कर लीजिएगा जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, वो ये करना है कि आपको फीवर को किसी भी हालत में जैसे भी हो एक अच्छी पोर्टफोलियो बनानी है आपको। जैसे फेसबुक आपने एक पेज अच्छा सा बना लिया, इंस्टाग्राम एक अच्छा सा अकाउंट खोल लिया, ये इंस्टाग्राम के वो अकाउंट होंगे जिसपे आप डेली के कैजुअल्स फोटो नहीं डालते हैं, राइट, कैजुअल्स वाले फोटो नहीं डालते हैं, या फिर उल्टा पलटा पोस्ट नहीं करते हैं, ऐसे वाले जो भी चीजें होंगी वो आपको इंस्टाग्राम को अकाउंट बनाना है, फेसबुक में भी वही अकाउंट बनाना है उसी तरीके के। फेसबुक में अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, पेज क्रिएट कर लो और पेज पे अपनी वही चीजें आपको डालने हैं, राइट। ठीक इसी तरीके से लिंक्डइन में भी आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन में कैसे अकाउंट बनानी है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, आप उसे जाओ और देखो और उसका भरपूर फायदा उठाओ। अब आपके ये तीनों सोशल मीडिया साइट्स पे आपके अकाउंट बन चुके हैं, अब आपको क्या करना है कि अब फीवर को आपको इन तीनों अकाउंट के साथ जोड़ देना है।
अब मैं आपको बताता हूं इसके फायदे क्या होने वाले हैं। इसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग जब फीवर पे आते हैं तो वो पहले ये देखना चाहते हैं कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है, लाइक आप जो सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव हो, कितने आपके वर्क्स हैं, किस तरीके के वर्क आप वहां पे डाल रहे हो, कितना आप काम करते हो, तो ये भी वो चेक करते हैं। और वहां से फिर आपके फॉलोअर्स और आपके वर्क और आपके डेली वर्क अपडेट्स, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप कितना जेन्युइन हो, राइट। क्योंकि देखो, अभी फेक अकाउंट फेसबुक पे बन सकता है, इंस्टा पे बन सकता है, लेकिन अगर आप फीवर पे अकाउंट आपने बनाया हुआ है और वहां का लिंक अगर वहां पे है, तो पेजेस का क्या होता है कि उसका एक मेन अकाउंट होता है जो आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा। तो उसके कब उसने बनाए हैं अकाउंट्स, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि 2022 में जनवरी में अकाउंट बनाया है फेसबुक में और इतने सारे उसके पोस्ट आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है, तो वो इजिली आपको काम दे सकते हैं। सो फीवर बहुत ही अच्छा वेबसाइट है और बहुत सारे वेबसाइट है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, उसकी लिस्ट भी मैंने चैनल के पे एक वीडियो बनाकर डाली थी, वहां पे भी आप जाकर उसे देख सकते हैं और वो सारे लिस्ट को सर्च आउट भी कर सकते हैं। ये वीडियो खास करके मैं फीवर के लिए बना रहा था कि फीवर से आपको कैसे अर्न करने हैं फ्रीलांस के जरिए। बहुत सारे लोग बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ही आप अपने फीवर पे अकाउंट बनाइए। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो तो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल पे वीडियो तो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि गो एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट अपडेटेड ऑन मोर वीडियोस। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।